myself is chemistry teacher, LHCS Surendranagar Katwa Basti. We should discuss about chapter number 2, pollution. First we discuss about pollution. Pollution kya hai? Mixing of, ya aap aise batayenge homogeneous. Homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two or more than two components. Homogeneous mixture of two or more than two components is known as solution. दो या दो कंपोनेंट का जो है जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसी का नाम क्या होता है, सोलूशन। जैसे कंपोनेंट ए है उसमें आपने बी मिलाया और ये क्या हो गए, यूनिफॉर्मली क्या हो रहे हैं, मिल गए हैं, उसी का नाम क्या है, सोलूशन है। सोलूशन में जो लार्जर अमाउंट में होगा दैट विल नोन एज सॉल्वेंट एंड द अमाउंट व्हिच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर That will known as solute. In solution, the component which is present in large is known as solvent. Solvent and the component which is present in a small amount that will be known as सलूट। याद रखिएगा, सलूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोलूशन। सलूट सॉल्वेंट का जो इंटरमिक्सिंग होता है यूनिफॉर्मली दैट विल नोन एज सोलूशन। सोलूशन में दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं या तीन कंपोनेंट भी हो सकते हैं। तो इफ इन सोलूशन टू कंपोनेंट इज प्रेजेंट देन दिस सोलूशन is known as binary solution. If in solution three component is present then this is known as ternary solution. So, अगर three component होगा उसका नाम होगा ternary solution. तो आप याद रखिएगा, आपके सिलेबस में दो component system है, इसका मतलब आपको पढ़ना क्या है, बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। अब बाइनरी सोल्यूशन सोल्यूशन में पढ़ने से पहले आपको कंसंट्रेशन के बारे में जानना होगा। नेक्स्ट हेडिंग है स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन ऑब्लिक कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, ये आपका हेडिंग है। स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन याद रखिएगा, सोल्यूट टू सॉल्वेंट आर सोल्यूट टू सोल्यूशन
लाइन जोड़ेंगे अमाउंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूट टू सॉल्यूशन एक लाइन जोड़ लेंगे रेशियो, रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू सॉल्वेंट और सॉल्यूट टू सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। इन जनरल सॉल्यूट ऑब्लिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट ऑब्लिक सॉल्यूशन, याद रखिएगा ये अमाउंट में ही होगा। तो सॉल्यूट और सॉल्यूट और सॉल्यूशन का अमाउंट का जो रेशियो होगा दैट विल नोन एज कंसंट्रेशन। सॉल्यूट या सॉल्वेंट के अमाउंट का जो रेशियो होगा दैट विल नोन एज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए तमाम मेथड हैं, आगे उसको देखते हैं। टर्म रिलेटेड टू कंसंट्रेशन, टर्म रिलेटेड टू कंसंट्रेशन फर्स्ट फर्स्ट मोलरिटी, मोलरिटी इट इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल एम। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट परसेंट इन वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपने देखा मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इन लीटर साइड में आप मोल आप जानते हैं, मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट और मॉलिक्यूलर वेट का जो रेशियो होता है वो मोल होता है। इसका मतलब सबसे पहले आपको वेट को मोल में कन्वर्ट होगा फिर वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट मोलरिटी, मोलरिटी इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एम। ये क्या होता है याद रखिएगा, यहां लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन के जी ऑफ द सॉल्वेंट। याद रखिएगा वन के जी सॉल्वेंट में जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के होते हैं दैट विल नोन एज मोलरिटी। मोलरिटी को आप लिख सकते हैं मोलरिटी, मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉरी मोलरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोलरिटी में वॉल्यूम का टर्म नहीं है, वॉल्यूम का टर्म नहीं है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। याद रखिएगा
अगर यहाँ वॉल्यूम होता है, जैसे यहाँ वॉल्यूम है तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो मोलरिटी क्या होती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ जो है वॉल्यूम नहीं है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी इट इज डिपेंडेंट एट कैपिटल एन, नॉर्मलिटी इक्वल टू होती है, याद रखिएगा नॉर्मलिटी कैपिटल एन इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ फ्लूइड। साइड में आपका होगा बालून ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब इस टर्म को बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मलिटी आप बता सकते हैं ये ग्राम इक्विवेलेंट है इन बालून ऑफ द सॉल्यूशन, इज नोन एज नॉर्मलिटी। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ द सॉल्यूशन नोन एज नॉर्मलिटी। तो ये है आपका नॉर्मलिटी। तो यहाँ याद रखिएगा यहाँ भी वॉल्यूम का टर्म है, इसका मतलब ये भी टेम्परेचर डिपेंड होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इक्विवेलेंट वेट इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स, एक्स कन्वर्जन फैक्टर है, बैलेंसिंग फैक्टर भी बोलता है। इसके कई केस हैं, केस फर्स्ट एक्स फॉर एसिड, एक्स फॉर एसिड हम देखेंगे। तो जैसे आप कौन है सी एल में, यहाँ है पॉजिटिव सी एल निगेटिव, तो एक्स की वैल्यू वन है, इसका मतलब एक्स फॉर एसिड जो हो जाएगा नंबर ऑफ रिप्लेसेबल विल एच प्लस आयन। एसिड के लिए जो एक्स होगा वो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयन होगा, तो यहाँ वन हंड्रेड आयन रिप्लेस हो रहा है इसलिए एक्स की वैल्यू वन है। नेक्स्ट वी डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल H2SO4 गिव्स आउट 2H+ प्लस सल्फेट निगेटिव निगेटिव। यहाँ देख रहे हैं हंड्रेड आयन कितने हैं, दो हैं, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, दो आ गई है। ऐसे आप यहाँ ले सकते हैं H3PO4 H3PO3 H3PO2। यहाँ एक्स फैक्टर याद रखिएगा 3 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 1 होता है। एक मैं संभाल रहा हूँ उसको, ये लिखिएगा HOPH और H, ये हाइड्रोजन दिखिएगा एक्स इक्वल टू 1। ये हाइड्रोजन नहीं निकल सकता क्योंकि ये सेंट्रल फास्फोरस से जुड़ा हुआ है और ये एसडी हाइड्रोजन है, ये एसडी हाइड्रोजन है, ये आयोनाइजेबल है, आयोनाइजेबल हाइड्रोजन। जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन होता है, आयोनाइजेबल कौन होता है, फ्लोरीन आधुनिक ऑक्सीजन आधुनिक नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन जो होती है वो एच डी हाइड्रोजन होती है, तो इसलिए निकलेगा। तो एक्स फैक्टर यहाँ वन है, यहाँ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 2 होते हैं, यहाँ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 3 होते हैं। वी डिस्कस नेक्स्ट केस एक्स फॉर बेस, एक्स फॉर बेस, एक्स फॉर बेस हम देखेंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ
प्लेन के बिल OH नेगेटिव आयन, जैसे एग्जांपल है NaOH, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, X की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ देखिए 1 आयन निकल रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आउट Ca प्लस 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 टू टाइम्स OH नेगेटिव, यहाँ देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन कितने निकल रहे हैं, 2, X की वैल्यू 2 हो गई। तो आप बेस के लिए ये कर सकते हैं। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट केस, थर्ड। एक्स फॉर सॉल्ट, एक्स फॉर सॉल्ट, सॉल्ट के लिए क्या आएगा, एक्स इक्वल टू नंबर और टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। या तो आप पॉजिटिव काउंट कर लेंगे या तो आप नेगेटिव काउंट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आर है। इसका एग्जांपल है जैसे NaCl है, आयनाइज करेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो आप या तो पॉजिटिव काउंट करेंगे या तो नेगेटिव, तो एक ये भी है एक ये भी है, तो एक आपका ये होगा। जैसे CaCl2 है, इसे आयनाइज करेंगे तो Ca प्लस 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 टू टाइम Cl माइनस, X की वैल्यू कितनी है, 2 है। आप देख रहे हैं डबल पॉजिटिव यहाँ है, 2 नेगेटिव यहाँ भी है, 2 टाइम्स है, तो आप X की वैल्यू यहाँ 2 होगी। वी डिस्कस अबाउट AlCl3, Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स Cl नेगेटिव, आप यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव भी 3 है, नेगेटिव भी कितना है, 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो सॉल्ट के केस में आप ऐसे ही निकालेंगे। अब वी डिस्कस नेक्स्ट केस, Al2SO4 ट्वाइस, इसे आयनाइज करेंगे तो 2 टाइम्स Al ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 3 टाइम्स सल्फेट नेगेटिव, तो आप यहाँ देख रहे हैं X की वैल्यू कितनी है, ये 2 है और यहाँ ऊपर 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ भी 3 है यहाँ 2 है तो 6 आ जाएगा। X फैक्टर का इसे एल्युमिनियम सल्फेट के लिए कितना होगा, 6 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक्स फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे तो इक्विवेलेंट वेट आप नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मॉडरेटी, दिस टॉपिक इन डिस्कस दिस टॉपिक वी डिस्कस इन नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।